के समय में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हर एक व्यक्ति के पास होता है। ऐसे में अगर आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कहीं खो जाते हैं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो टॉपिक में हम लोग एक बहुत ज़रूरी काम की बात करते हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का भी आप करा सकते हैं बीमा। इससे कार्ड खोने पर नहीं रहती है आर्थिक नुकसान की संभावना और आपको मिलते हैं बहुत सारे फायदे। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं हरिशंकर और आप देख रहे हैं TRT इन हिंदी चैनल। हम लोग बात करने वाले हैं आज कार्ड प्रोटेक्शन के बारे में। आजकल हर किसी के पर्स में नगद के अलावा कई प्रकार के कार्ड उपलब्ध रहते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रिटेल स्टोर कार्ड, लॉयल्टी प्रोग्राम कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि आसानी से मिल जाते हैं। पर सोचिए कि अगर आपका पर्स कहीं गुम हो जाए या चोरी हो जाए तब आप क्या करेंगे? अलग अलग बैंकों में फ़ोन करके कार्ड्स को ब्लॉक कराएंगे, नए कार्ड के लिए निवेदन करेंगे। वहीं अगर आपका पहचान पत्र खो गया है या आधार कार्ड या पैन कार्ड तो उसके लिए आपसे दोबारा से उसे निकलवाएंगे। वहीं कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद भी इन सारी सुविधाओं में आपको लंबा समय लग सकता है। ऐसे में कार्ड प्रोटेक्शन प्लान से आप अपने जीवन भर की जमा पूंजी और पहचान सुरक्षित कर सकते हैं। सुनील खोसला, हेड डिजिटल बिजनेस इंडिया ट्रांसैक्ट सर्विस लिमिटेड, बता रहे हैं कार्ड प्रोटेक्शन प्लान से जुड़ी कुछ खास बातें। पहला, कार्ड ब्लॉक सुविधा। पर्स खोने के बाद हर कार्ड के लिए आपको अलग अलग बैंक को फ़ोन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक नंबर पर कॉल करने पर सभी कार्ड एक साथ ब्लॉक हो जाएंगे। इससे सही समय पर कार्ड ब्लॉक करने में मदद मिलेगी। दूसरा, सफ़र के दौरान मदद। यदि आप कहीं घूमने गए हैं या सफ़र के दौरान आपका पर्स गुम हो जाता है तो ये प्रोटेक्शन प्लान आपके होटल का खर्च उठाता है। यदि इस स्थिति में टिकट भी आप खो बैठे हैं तो उसके बदले नया टिकट दिलाने में भी यह सहायता प्रदान करता है। हालांकि ये सेवाएं बैंकों की योजनाओं पर भी निर्भर करती है। आपातकालीन नगद, CPP से अग्रिम नगद की सहायता भी मिलती है। ये सेवा खासतौर पर तब मददगार है जब आप देश में ही सफ़र कर रहे हो। अगर आप कहीं बाहर सफ़र कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो फिर ये सहायता आपको नहीं मिल सकती है। मदद मिलने के बाद 28 दिन के अंदर आपको ये रकम लौटानी भी होती है। इस योजना के भीतर अपने परिवार के सदस्यों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आप जोड़ सकते हैं। योजना में कई विकल्प होते हैं जिसके मुताबिक आप अपने जीवनसाथी का नामांकन कर सकते हैं। वहीं अपने परिवार के 4 सदस्यों जिसमें जीवनसाथी के साथ साथ माता और पिता को भी आप नामांकित कर सकते हैं। आज के न्यूज़ में मित्रों इतना ही। तो ये थी क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई प्रोटेक्शन के बारे में। उम्मीद करूँगा कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।